नमस्कार, आप देख रहे हैं आज वॉइस न्यूज। आइए नजर डालते हैं प्रमुख खबर पे। हमारे संवाददाता आलोक कुमार की खबर साहिबगंज से। पूर्व रेलवे के मालदा रेल मंडल के भागलपुर बरहरवा रेलखंड पर स्थित साहिबगंज रेलवे स्टेशन पर इन दिनों विभिन्न ट्रेनों से आने वाले बाहरी यात्रियों की कोरोना जांच अब तक शुरू नहीं हो पाई है। उधर जिले के उपायुक्त रामनिवास यादव ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया था कि साहिबगंज तीन पहाड़ एवं बरहरवा रेलवे स्टेशन पर विभिन्न ट्रेनों से बाहर आने वाले प्रवासी मजदूरों एवं सभी यात्रियों का कोरोना जाँच स्टेशन परिसर में किया जाना है, मगर साहिबगंज स्टेशन पर अब तक ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। उधर साहिबगंज रेलवे स्टेशन के स्टेशन प्रबंधक आरएस पांडे के फोन पर बातें करने पर उन्होंने बताया कि आज से लगभग एक महीने पहले 2 से 3 दिनों के लिए ये व्यवस्था स्टेट के द्वारा शुरू की गई थी, मगर अब ऐसा जांच स्टेशन परिसर पर होते हुए दिखाई नहीं दे रहा। क्या है अभी हम लोग के जैसे तीन महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है, बरहरवा रेलवे स्टेशन, तीन पहाड़ और साहिबगंज, तीनों स्टेशन पे हम लोगों ने अपनी स्वास्थ्य विभाग की टीम लगा रखी है जो बाहर से आने वाले हर एक व्यक्ति को जांच कर रखी है, और जैसे ही कोई पॉजिटिव पाया जाता है, सिम्टम्स है, तो उसको हम लोग अपने हॉस्पिटल में या कोविड फैसिलिटी में भर्ती कर ले रहे हैं। अगर सिम्टम्स नहीं है तो उसको होम आइसोलेशन तुरंत कर देंगे पॉजिटिव पाए जाए। सर, नाइट कर